मैं आज कोरोना की वैश्विक महामारी में मेरे साथियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सरकार को एक सूचना देना चाहता हूँ कि हम लोग नियमित कर्मचारियों की भांति, नर्सिंग स्टाफ की भांति, मैनेजमेंट कैडर के कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर के आज इस वैश्विक महामारी में हम हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। सुबह से शाम तक एक अल्प वेतन में अपना परिवार का गुजारा करते हुए आज इस वैश्विक महामारी में नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सरकार से पिछले कई वर्षों से हम आशाएं कर रहे हैं कि सरकार हमें नियमित करके और हमारा हमें मतलब एक उद्धार करें हमारा, जिससे कि हम हमारे परिवार का खर्चा चला सकें। सरकार ने वर्ष 2013 में मैनेजमेंट कैडर और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कैडरों में यथा नर्सिंग कर्मियों की भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट्स निकाले थे, जिनमें सरकार ने नर्सिंग कर्मियों को, लैब टेक्नीशियंस को, फार्मासिस्ट को इत्यादि कैडर्स को 2013, 2016, 2018 और हाल ही में 28 अप्रैल 2020 को लिस्ट जारी करके नियमितकरण किया गया है। लेकिन NHM में कार्यरत, अल्प वेतन पे कार्यरत मैनेजमेंट के अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स, आशा सुपरवाइजर्स इत्यादि लोगों को 2013 से आज तक नियमित नहीं किया। सरकार कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चिकित्सा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।